गाइस आज हम मौजूद हैं कानपुर की फूल मंडी पर। और यहाँ पर फूल इतना सस्ता मिलता है कि आप आकर के रोज अपनी सुहागरात के लिए यहाँ से फूल खरीद सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आप रोज सुहागरात बना सकते हैं, इतना सस्ता फूल मिलता है यहाँ पर। तो अगर आपके पास कोई फूल वाला आपकी उधर लगाता है तो आप समझ लीजिए कि वो भी यहीं से ही फूल खरीद आपको बेच रहा है। यहाँ से फूल हमारा कानपुर से कानपुर, देहात, उन्नाव और बहुत आगे तक भी फूल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी फूल मंडी यहीं पर ही मौजूद है। और वो कहाँ पर है ये तो आपको इस वीडियो में ही पता चलने वाला है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बेसिकली कानपुर की पूरी फूल मंडी को, और वो भी यूट्यूब के कीड़े के साथ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं, सामने जो मैदान आप देख रहे हैं यहीं पर ही है फूल मंडी। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर फूल मंडी लगी हुई है। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं फूल मंडी के अंदर, आपको पूरी मार्केट दिखाएंगे और रेट भी यहाँ पर लेके दिखाएंगे कि किस रेट पे यहाँ पर फूल मौजूद हैं, किस रेट पे कौन कौन से फूल मतलब यहाँ पर मिलते हैं, सब यहाँ पर आपको दिखेगा। और लोग काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ का ब्लॉग अभी तक किसी ने नहीं शूट करा है। तो अब भाई साहब पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं फूल मंडी का, कानपुर को दिखा रहे हैं कि कानपुर में अगर किसी को फूल लेना हो तो आप यहाँ फूल मतलब लेने आए हो कि बेचने आए हो। तो ये भी भाई हैं, हाँ हाँ, तो भाई साहब भी हमारे यहाँ पर फूल बेचने आए हैं। और ये देख सकते हैं आप गुलाब के फूल इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पर, तो इस टाइप से ये देखिए गुलाब 70-80 रुपये किलो 70-80 रुपये किलो गुलाब। मतलब कि ये गुलाब की स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ तक जाती है, मतलब 70 से मैक्सिमम कितना है? 500 तक चली जाती है। 500 तक का गुलाब 500 रुपये किलो। तो आप समझ सकते हो गुलाब इतना सस्ता नहीं, अगर गर्लफ्रेंड को खुश करना हो तो पैसे लगाने पड़ते हैं। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं फूल मंडी में और क्या है। तो ये है यहाँ पर भांग, धतूरा, बेलपत्र, तो शिव जी का जो सामान है जो फूल उसमें चढ़ता है, तो वो सब सामान है। अगर आप शिव की आराधना या फिर उनका पूजन करना हो तो यहाँ से सामान ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज्ञानी कलाकार और यूट्यूब के कीड़े को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अपडेट कानपुर की और कानपुर से रिलेटेड शहरों की हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अन्यथा आप पे जो मर्जी वो कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हो यारो, नो प्रॉब्लम। ये जो आप शॉप देख रहे हैं यहाँ से आप घर गाड़ी के डेकोरेशन, किसी भी ओकेजन के लिए यहाँ से आप सामान परचेस कर सकते हो, जैसे कि ये आर्टिफिशियल पत्ते, फूल, छालस और ये किरकिरी जो गाड़ी सजाने के लिए बेसिकली यूज होती है, तो ये सब भी आपको यहाँ पर होलसेल रेट पर मिल जाएगी। जैसे ये चुन्नी हो गई और वो रिबिन हो गया, तो ये सब गाड़ी सजाने के लिए काम पे आते हैं। घर की डेकोरेशन या फिर शादी में जो गाड़ियाँ सस्ती हैं वो सब भी आप यहाँ से परचेस करके बेच सकते हैं। और अंकल जी इसके सेलर हैं और इसी टाइप से यहाँ पर 3-4 दुकानें मौजूद हैं। तो अंकल जी सही है भैया, तो ये हमारे साथ यहाँ के सेलर हैं इस दुकान के, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आप यहाँ से बेचते हो तो यहाँ पर मार्केट में कहाँ कहाँ का बंदा आता है अपनी कानपुर की ये फूल मंडी पे? का आता है, उर्रई का आता है, मूसा नगर का आता है, पुखराए का आता है, अकबरपुर का आता है, हर जगह का। तो अच्छा, इन सब इलाकों में अपने कानपुर में ही फूल मंडी है केवल, मतलब और कहीं पे है कि नहीं है? सब जगह है सब, लेकिन अपनी कानपुर की कुछ ज्यादा ही फेमस है। कानपुर की ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ का रेट रेट अपने हिसाब से सब चीज़। तो यहाँ की मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी दूर दूर से बंदे फूल खरीदने आते हैं। गेंदा कितने रुपए किलो? 15 रुपए किलो। और ये जो गुलाब गुलाब है वो? गुलाब बिक रही 40 रुपए किलो। तो इनके रेट बढ़ते कब हैं गिरते कब हैं? इनका कोई भरोसा नहीं है, मतलब कल बढ़ भी सकता है कल गिर भी सकता है, 40 से 60 भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो ये सब रोज मतलब रोज अलग रेट होते हैं यहाँ के? हाँ, रोज अलग रेट घटते बढ़ते रहते हैं। और ये मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक लगती है? 5 बजे से 11 बजे लगाती है, 11 बजे तक पूरी मार्केट उठ जाती है। तो आप देख सकते हैं सुबह 5 बजे से मार्केट लगती है और 11 बजे पूरी खाली हो जाती है मार्केट। तो मतलब
चार पाँच घंटे के अंदर पूरी आप ये जो पीछे देख रहे हैं फूल मंडी पूरी सफ़ा हो जाती है। और यहाँ के रेट की कोई मतलब निश्चित नहीं है, आप अगर जैसे आज हम आए हैं तो यहाँ 25 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये, और कल आप आओगे तो हो सकता है रेट इससे आधे हो जाए या फिर इससे डबल भी हो सकते हैं। तो मार्केट में यहाँ पर रेट का कुछ वो नहीं है कि स्थिर है, स्टेबल नहीं है रेट यहाँ पर। इसको आप फूलों की शेयर मार्केट बोल सकते हो कि रेट के मामले में शेयर मार्केट जैसे ऊपर नीचे हुआ करते हैं, यहाँ के रेट भी ऊपर नीचे ही हुआ करते हैं। तो ये देखिए, ये है येल्लो गेंदे, इनकी भी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, येल्लो गेंदे। और उसके बाद है लाल गेंदे, ये मिक्स गेंदे रखे हैं हमारे पास, लाल और पीले दोनों तरह के मिक्स हैं। ये देखिए, इसमें लाल भी हैं, ये लाल और पीले दोनों तरह के मिक्स हैं, और ये लाल गेंदे हैं। और ये है फूल, इसका तो हमें पता भी नहीं किस टाइप का फूल है ये, और ये पूरा वाइट फूल है, देखने में बहुत ही अच्छा है, और सूरजमुखी के टाइप का है लेकिन सूरजमुखी नहीं है, और पता नहीं कौन सा फूल है ये। ये गुलाब, ये आपसे देख सकते हैं, ये आपको, ये देखिए पूरे, तो ये आपको 50 से लेकर के 500 तक, मतलब जैसी क्वालिटी वैसा रेट, इस टाइप से आप इसको बोल सकते हैं। तो सब अलग अलग रेट है, मतलब आपको एक दुकान पर दूसरा रेट तो दूसरी दुकान पर दूसरा रेट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही रेट मिले। अब हम मार्केट के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ स्टॉल लगे हैं जो जिनमें जयमाल टाइप के फूल वूल भी टंगे हैं। तो यहाँ से आप शादी के ओकेशंस के लिए जयमाल या फिर किसी तरह का, तो यहाँ से आप जयमाल भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये सब जो फूल आप देख रहे हो कितनी अच्छी वैरायटी के हैं, तो इनके भी रेट काफ़ी अलग अलग हैं। ये गुलाब के एकदम अलग, समझ सकते हो आप कितने VIP फूल टाइप के हैं सजाने के लिए। और ये जयमाल जो शादी में यूज़ किए जाते हैं, ये सब भी आपको इस फूल मंडी में मिल जाएंगे। और ये सब गाड़ी सजाने, ये देखिए बुके, ये जो बुके हैं ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाएंगे। सारी मार्केट से अच्छे रेट पे आपको इस फूल मंडी में मिल जाएंगे, जो कि कानपुर के नौवस्ता में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ जानना हो इस मार्केट के बारे में या फिर और कोई क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो तो आप सिंपली हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाके हमारे इस YouTube चैनल ज्ञानी कलाकार को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं जो आपको कानपुर की चीज़ों से परिचित कराते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ नए दिन, तब तक के लिए गुड बाय।